नमस्कार, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर। खबरों के इस सफर में आपका स्वागत है। बात करेंगे नारायणा वार्ड की, जहां स्थानीय पार्षद उमंग बजाज ने जनता को एक सौगात दी। आपको बता दें कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल हेल्थ वैन का उद्घाटन किया और स्थानीय जनता यानी नारायणा वार्ड की जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि उमंग बजाज का पहले भी सेवा भाव का बहुत इतिहास रहा है और इसी वानगी में एक कदम और बढ़ते हुए उन्होंने संजीवनी आपके द्वार नाम योजना के तहत एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, जो डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस के रूप में काम करते हुए नारायणा वार्ड के लोगों की सेवा करेगी। नारायणा वार्ड के लोगों को अब मोबाइल हेल्थ वैन की भी सुविधा मिल सकेगी। संजीवनी आपके द्वार योजना के तहत वार्ड में भाजपा पार्षद ने मोबाइल हेल्थ वैन का उद्घाटन करते हुए इसे वार्ड के लोगों को समर्पित किया। यह एम्बुलेंस और डिस्पेंसरी दोनों ही रूप में काम करेगी। इस कार्यक्रम में अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक श्रवण भी मौजूद रहे और साथ में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति इस मौके पर देखी गई। आपको बता दें कि सनातन पूजा विधि विधान से इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर लोगों ने जय श्री राम के भी नारे खूब लगाए। सर, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? मेरा सपना है स्वच्छ नारायणा, स्वस्थ नारायणा का, ये उसकी ओर एक हमारी तरफ से कदम उठाया गया है, जो कि संजीवनी एक फ्री निशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की सेवा है, जो मेरे वार्ड मेरे परिवार के लोगों को समर्पित है। इसमें हम सारे रूप की दवाइयाँ, जिनसे हम छोटे जो भी रोजमर्रे की बीमारियाँ हैं उनको ख़त्म करने का हमारा इससे लक्ष्य है, जो हम इसको करेंगे। क्योंकि मैंने जो कोविड के दौरान देखा था कि हमारे जीवन में हम हर चीज़ के पीछे भागा दौड़ी करते हैं पर अपने स्वास्थ्य को साइड लाइन रखते हैं, और हमारे जीवन के सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य ही है, सबसे बड़ी धन धरोहर सब कुछ स्वास्थ्य है, तो हमें उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मेरा यही लक्ष्य है संजीवनी के थ्रू कि मैं अपने वार्ड को बिल्कुल रोग मुक्त करूं। उमंग जी, क्या कुछ स्पेशलिटीज रहेंगी इस वैन में और कैसे कितने लोगों को लाभ पहुँचेगा? जैसे आप बॉडी एक, फीवर, दांत की दर्द, स्किन की इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, पेट की समस्या, ऐसी सारी बीमारियों के लिए हमारे पास इसमें दवाई है, जो इसमें इक्विपमेंट रहेगी और हम उससे इसको लोगों की जो बीमारियों उसको ठीक कर सकेंगे। बजाज परिवार का पहले भी सेवा का इतिहास रहा है। इसी वानगी में उमंग बजाज कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं। जो लोग पैसा देकर इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए अपने घर के पास यह निशुल्क सुविधा वास्तव में किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी का उद्देश्य बिल्कुल सरल है कि घर घर तक हम चिकित्सा सेवा पहुंचा सकें, हर वक्त पहुंचा सकें। ये नहीं कि 2 बजे के बाद बुखार है तो आप इमरजेंसी में पड़े रहें और अस्पताल वाले आपको पूछे भी नहीं, तो घर घर तक सेवा का माध्यम रहे और एक एम्बुलेंस रहे हमारे वार्ड में, जो दिन रात किसी को अगर इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए, कोई मेडिकल एड चाहिए, उसको अस्पताल तक पहुंचा दे। और सपना और मोटिवेशन हमारे मोदी जी हैं, जिनके दायित्व, जिनके नेतृत्व में हम लोग सब ये सीख रहे हैं कि हमने अपने देश के लिए भी कुछ करना है और अपने लोगों के लिए भी कुछ करना है। बस इतना सा ही सरल सा। पार्षद उमंग बजाज का पूरा परिवार अनेक माध्यमों से जन सेवा में शामिल रहता है और बतौर निगम पार्षद उमंग बजाज भी लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा में प्रयासरत हैं। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी कनिका बजाज ने भी खुशी जाहिर की। ये एक इनिशिएटिव है जो हमारी फैमिली ने स्टार्ट किया है फॉर नारायणा पीपल, फॉर द वर्ड ऑफ आर पीपल। एंड मैं सबको बताना चाहूँगी कि हमारी पूरी फैमिली डेडिकेटेड है टू पब्लिक सर्विस, और मेरी जो मदर इन लॉ है डॉक्टर अर्चना धवन बजाज जी, वो है, वो डॉक्टर हैं, वो उस तरीके से डेडिकेटेड है। उमंग भी है,
तो हमारी यही है, हमने सबने रियलाइज करा कि कोविड में कैसे कैसे जो महामारी आई थी उसमें सबने यही रियलाइज करा कि एक्चुअली स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप हर रिश्ते का और आप हर चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, हर सुविधा का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हर चीज़ बेकार है। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, जिसके थ्रू हम फ्री एम्बुलेंस सर्विस सबको प्रोवाइड करना चाहते हैं और फ्री में जो रोज़मर्रा की बीमारियाँ हैं उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब तक यह देखने में आया है कि किसी निर्धन गरीब को अकस्मात बुखार हो जाए या अन्य कोई बीमारी हो जाए तो 2 बजे के बाद सारे क्लिनिक डिस्पेंसरियां ओपीडी बंद हो जाती है, जहां वह फ्री में अपना इलाज नहीं करवा पाते और रविवार के दिन तो खासी समस्या होती है। इस तरह की तमाम समस्याओं का समाधान यह मोबाइल एम्बुलेंस वैन आसानी से कर सकती है। स्थानीय लोगों ने इस हेल्थ वैन के लिए पार्षद उमंग बजाज को धन्यवाद दिया है। तो फिलहाल इस सफरनामे में इतना ही, होगी फिर मुलाकात। आप बने रहिए न्यूज़ फोल्डर के साथ। नमस्कार।